आइए जानते हैं डिश एंटीना कैसे बनता है। सबसे पहले स्टील के शीट को गोल शेप में बड़ा सा काटा जाता है। उसके बाद इस गोल शीट को एक गहराई दी जाती है। उसके बाद इसके साइड वाले हिस्से को फोल्ड किया जाता है। उसके बाद जब ये बन जाता है तो इसके ऊपर अच्छे से स्प्रे करके कलर किया जाता है। उसके बाद डिश का एंटीना बनाकर उस पर भी स्प्रे करके कलर किया जाता है। फिर इसे हीट करने के लिए रखा जाता है ताकि इस पर कलर अच्छे से चढ़ जाए। फिर कुछ घंटे बाद इसे निकाला जाता है तो हीट होने की वजह से कलर इस पर अच्छे से चढ़ जाता है। तो इस तरीके से डिश एंटीना को बनाया जाता है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।